नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। दिन दहाड़े में आज बात करेंगे गौ माता के संरक्षण की। बात करने वाली मध्य प्रदेश सरकार अब गोवंश की मौत के लिए जिम्मेदार बन गई है। सरकार का दावा है कि आवारा गोवंशों को संरक्षण के लिए गौशालाओं का निर्माण किया गया है, लेकिन यही गौशालाएं अब गोवंशों की कब्रगाह बन गई हैं। चारे पानी की कमी, देखरेख का अभाव, क्षमता से अधिक गोवंश, ये सब वो कारण हैं जो मौत का सबब बन गए हैं। दरअसल राजधानी भोपाल में ही गोवंशों का संरक्षण अब मोहन सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। जहांगीराबाद पशु आश्रय गृह में देखरेख के अभाव में और क्षमता से अधिक गोवंश रखने से 10 गोवंशों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा गोवंश घायल हैं। और अति तो तब हो गई जब मृत गोवंशों के शव आश्रय गृह से हटाए नहीं गए, एक ही जगह मृत और जीवित गोवंश पड़े हैं। गौशाला की लापरवाही महामारी को खुला निमंत्रण दे रही है, लेकिन सरकार बेसुध है। जानकारी के मुताबिक जहांगीराबाद पशु आश्रय गृह में 80 गोवंशों की क्षमता है, लेकिन यहां 154 गोवंश रखे गए हैं। गौशाला में चारे पानी की किल्लत के साथ साथ मौन पावर की भी कमी सामने आ रही है, क्योंकि यहां पर अभी लोगों की कमी है, जिसके चलते उनकी देखरेख ठीक से नहीं हो पा रही है। नगर निगम से लेकर सरकार ने कोई संज्ञान अब तक इस मामले में नहीं लिया है। गौशाला में गौवंशों की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोहन सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए हैं। कमलनाथ ने एक्सपोस्ट पर कहा कि सरकार ने चुनावी लाभ लेने की नीयत से गौ कैबिनेट बनाकर खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन पिछले 4 साल में गौ कैबिनेट की केवल एक ही बैठक हो पाई है। सरकार की इसी उदासीनता के कारण गौशाला निर्माण का कार्य अवरुद्ध हो गया और 1.5 लाख से ज्यादा गौवंश भटकते हुए दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। गंभीर घायल पशुओं को जीवन देने के लिए पशु आश्रय केंद्र बनाया गया है, जो कि जहांगीराबाद में स्थित है। इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं और यहाँ के हालात मानो बद से बदतर हैं। ये जीवन देने के लिए नहीं, मानो जीवन छीनने के लिए केंद्र बनाया गया हो, क्योंकि तस्वीरें यही दर्शा रही है। राजधानी भोपाल के इस आश्रय केंद्र में गायों को उपचार के लिए लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टाफ की कमी की वजह से ये गायों की मौत हो जाती है। ऐसा हम नहीं, यहाँ के डॉक्टर खुद कह रहे हैं, डॉक्टर से भी बात करवाएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि कई घायल गायें यहाँ पर पड़ी हुई है, जिनका समय पर उपचार नहीं हो पा रहा है। इनके भारी वजन से ये उठ नहीं पाती हैं और यहाँ पर जो मेन पावर है उसकी कमी के कारण इनका उपचार ठीक से नहीं हो पाता है। तस्वीरों में स्पष्ट है कि कुछ गायें घायल पड़ी हुई है, कुछ गायें मृत अवस्था में पड़ी हुई है। घायल गायों का जो संख्या है वो करीब 40 से 50 बताई जा रही है और मृत गाय जो है आज की स्थिति में 8 से 10 है। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सर, क्या शुभ नाम? मैं डॉक्टर नीरज सिंह परिहार। सर, पशु आश्रय केंद्र यहाँ पर है और गायों को लग रहा है तस्वीरें देख के उपचार नहीं मिल पा रहा है। नहीं, उपचार बराबर होता है यहाँ पर, उपचार में कोई कमी नहीं रखी जाती, लेकिन समस्या ये है कि जितना कन्फाइंड कैंपस आप लोगों ने अभी देखा है, उस कन्फाइंड कैंपस की हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 की कैपेसिटी है। लेकिन बारिश के सीज़न में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमूमन सड़कों पर पूरे जानवर छोड़ दिए जाते हैं पशुपालकों द्वारा, जो कि एक्सीडेंटल होते हैं, और एक्सीडेंटल होने के बाद यहाँ पर लाए जाते हैं। आज की स्थिति में मेरे पास में 154 जानवर हैं और सुबह से रात से ही क्या बोलते हैं, सब अमला इकट्ठा है, पूरा SDM साहब हुए, पूरा क्या बोलते हैं प्रशासन यहाँ पर है। इलाज का प्रक्रिया डेली की है हमारे यहाँ, इलाज में कोई कमी नहीं करी जाती है, लेकिन मैन पावर की हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है, मैन पावर और स्पेस की। लगभग हम हमेशा डिमांड करते हैं, हमारे को कम से कम 8 से 10 कर्मचारी हमारे को नगर निगम के चाहिए, क्योंकि इतने सारे गौवंश में साफ सफाई करना और उनका रखरखाव करना, उनको अभी सिर्फ 3 ही लोग काम कर रहे हैं मेरे यहाँ। हाँ, मतलब अभी तक के संज्ञान में नहीं लिया गया है। हमने आयुक्त महोदय को भेजा है, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय हैं उनको भी कॉपी भेजी थी, और हमने संचालक महोदय को भी कॉपी भेज चुके हैं। देखिए, लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ रहे हैं पशु, और यहाँ के हालात साफ बता रहे हैं, डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि मेन पावर की कमी है, और जहाँ पर 8 लोगों का स्टाफ होना चाहिए वहाँ पर 3 ही लोग जो है वो रोज काम कर रहे हैं।
तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, राजधानी में गोवंशों की क्या स्थिति है वो ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। चर्चा करेंगे इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं गुलरेश शेख जी, पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। वहीं कांग्रेस से थोड़ी देर में हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी भी होंगे और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल गुलरेश शेख जी मेरा आप ही से है, बहुत दावे करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि गोवंशों के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, गौशालाएं बनाई जा रही हैं, ये स्थिति क्या है, आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं, मैंने देखा और सरकार भी संज्ञान में रखी है चीजों को। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं जानता हूं इस चीज को कि समस्याएं हैं, लेकिन उसका निवारण भी है और सरकार निवारण भी कर रही है। सबसे पहले तो आपको बताऊं मैं कि ये जो पशु हैं इनके मालिकों का सबसे बड़ी गलती होती है कि इनको छोड़ देते हैं खुले में, और जब बारिश का सीजन आता है तो ऐसी स्थिति होती है कि कई बार इनको किसी ट्रक से टक्कर लग गई, कभी इनको जीप से टक्कर लग गई, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में चाहे जगह हो ना हो लेकिन शासकीय गौशाला उनका केयर करती है और ये ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। जो पशु मालिक हैं वे उनको आवारा बनाकर नहीं छोड़े, मैं तो आवारा पशु को नहीं बोलता, आवारा मालिक को कहता हूं हमेशा, तो ये मालिक उनको आवारा बनने पर विवश नहीं करे। आश्रय जो आपने बनाया है गुलरेश शेख जी, ये तो इसीलिए बनाया ना कि आवारा पशु अगर आपको मिलेंगे, आवारा गोवंश आपको मिलेंगे तो आप यहाँ पर रखेंगे, तो फिर कहां दिक्कत है? आप उनको छोड़िए ना, वो मालिक तो छोड़ ही रहे थे। आपने तो ये पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मुद्दा उठा चुकी है कि लोग ऐसे आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं सड़कों पर, लेकिन उनकी संरक्षण की जिम्मेदारी तो आप ले रहे थे ना, अब क्या हुआ उस जिम्मेदारी का? जिम्मेदारी मैडम हाँ अभी भी ले रहे हैं, 100% ले रहे हैं और उसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं। जैसे जिसके पास 10 गायें हैं उसको 10,000 रुपए प्रति माह के देने का हमने फंड रखा है और वो पैसा भी मिलना शुरू हो गया है। गौशालाओं में भी विस्तार किया है, वृद्धि की है नंबर्स में। अगला हम एक कदम और उठाने वाले हैं कि जितने भी ये पशु हैं इनकी सिम लगाकर इनके अंदर जियो टैगिंग होगी ताकि कोई भी मालिक है, कोई पशु ऐसा मिलता है जो जख्मी अवस्था में है, जो आवारा घूम रहा है, तो उसके मालिक को ही उस पर दंडित किया जाएगा, उसके मालिक का चालान बनाया जाएगा। और सारी चीजें ऐसा नहीं, पशु आश्रय में मृत पाए गए, उनके शव तक उठाने के लिए कोई नहीं पहुंचा, किसकी लापरवाही कहूं मैं यहां पर? नगर निगम में आपका व्यक्ति बैठा है, सरकार आपकी है, विधायक आपके हैं, किसकी लापरवाही कहूं मैं यहां पे? मैडम इसमें एक तरीका तो ये हो सकता है कि गोप जो जो पालक हैं जो इनको आवारा छोड़ देते हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई तुरंत की जाए, लेकिन शासन जो है वो किसानों पर भी थोड़ा ध्यान रखता है, अगर वो नहीं करेंगे तो किसान भी प्रताड़ित होता है। लेकिन ये स्थिति परिस्थिति नहीं बने, इसीलिए पशुओं की जियो टैगिंग की जा रही है, इसीलिए गौशालाओं का विस्तार किया जा रहा है, इसीलिए इन लोगों को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 6 महीने का हम लेकर चल रहे हैं टाइम पीरियड, अगर इस समय सीमा में भी लोग सुधरते नहीं है और पशुओं को इस प्रकार से आवारा घूमने के लिए छोड़ते हैं बेचारों को मरने के लिए, तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी जिसके अंदर जेल का प्रावधान भी रहना है। 2003 से तो मुझे याद है गुलरेश शेख जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, बीच में 1.5 साल के लिए कांग्रेस की जरूर सरकार आई थी, एक बार फिर से आपने भारी बहुमत के साथ फतेह हासिल की है विधानसभा में, इतना लंबा समय, अभी भी आप बोल रहे हैं कि अभी आपको 6 महीने और लगेंगे अगर आपको गोवंशों की देखभाल और बेहतर ढंग से करनी है तो? मैडम मैंने आपको क्या कहा कि या तो फिर ये है कि पुलिस का डंडा चलाकर जितने भी पशु मालिक हैं उनको बिल्कुल ठीक कर दें, लेकिन आपको सब चीजों के बीच में समन्वय भी सरकार को रखना है और समन्वय के लिए सरकार खर्चा कर रही है, गौशालाओं में विस्तार कर रही है और जियो टैगिंग का मैं माफी चाहूंगी गुलरेश शेख जी, मैं माफी चाहूंगी लेकिन पूरे सम्मान के साथ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गोवंशों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का क्या स्टैंड है, कितनी बयानबाजियां गोवंशों को लेकर दावे किए जा रहे हैं कितने, वो आपने सुने हैं? एक बार मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये सुने होते तो अभी आप पशु मालिकों पर सवाल नहीं खड़े कर रहे होते। मैडम जहां तक देखिए, मैं आपको थोड़ा सा संभाग वाइज बताने की कोशिश करूंगा। जबलपुर में अभी तक 8 स्थानों पर जो गौचर का भूमि होती है उसको हमने मुक्त कराया है जो लोगों ने कब्जे कर रखे थे। अगर हम बात करें मालवा की, मालवा क्षेत्र की उज्जैन संभाग में 12 ऐसी गौचर की जमीन थी जिनको मुक्त कराया है और 3 नई गौचर के स्थान को प्रदान किया गया है। भोपाल की बात करें, आप खुद भी समझ सकते हैं भोपाल में आपका पूरा नेटवर्क है, आप मालूम कर सकते हैं 16 से ज्यादा गौचर की भूमियों को पिछले 4 महीने में मुक्त कराया है। यही स्थिति ग्वालियर की है, ग्वालियर का एग्जैक्ट डाटा में अभी
मुझे मेरे सामने याद नहीं आ रहा है, लेकिन ग्वालियर में भी 1 दर्जन से ज्यादा गोचर की भूमि को मुक्त कराया है और अगले महीने तक 5 नई गोचर की भूमि दे रहे हैं। तो गोचर में विस्तार करना, गोचर की भूमि को मुक्त कराना और उसी के साथ साथ जो लोग भी इसके अंदर लाइतलाली करते हैं जियो टैगिंग के माध्यम से, और जियो टैगिंग का काम शुरू हो गया, ये नहीं बोल रहा होने वाला है, हम पशुओं की जियो टैगिंग मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। गुलरेश शेख जी, आप करिए जियो टैगिंग, बहुत बेहतरीन कदम हो सकता है वो, लेकिन राजधानी भोपाल, आपके मुख्यमंत्री से लेकर आपकी पूरी कैबिनेट यहाँ बैठती है, आप खुद भी राजधानी भोपाल में निवासरत रहते हैं, हालांकि आपका आना जाना रहता है भोपाल। उसके बाद अगर मैं बात करूं विपक्ष के बड़े नेता, सब राजधानी भोपाल में है, और उसके बाद वहां की एक तस्वीर सामने आती है, गौशाला में 10 गायें मृत, जिनको उठाने के लिए कोई नहीं पहुंचा, कोई टीम वहां पर नहीं पहुंची, और कई गायें ऐसी हैं जो कि घायल अवस्था में, उनको देखने के लिए, उनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं है। वहां पर क्षमता है 60 से 70 गायों को रखने की, वहां पर आपने 154 गायों को ठूस ठूस कर रखा है, कौन देखभाल करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी, किससे सवाल पूछूं मैं? देखिए अल्टीमेटली तो शासन प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को लेने से मैं मना भी नहीं कर रहा हूं कि हम नहीं लेते हैं जवाबदारी जिम्मेदारी, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं उस पर्टिकुलर गौशाला के विषय में जो मुझे बोध हुआ, इसमें 40 से 45 गायें ऐसी हैं जो कुछ समय पहले ही आई है, क्योंकि मानसून की वजह से और जो जख्मी हुई या बीमार हुई, ऐसे में आप उनको मना नहीं कर सकते कि हम नहीं लेंगे, चाहे उसमें परेशानी होती है मैं जानता हूं, लेकिन परेशानी के उपरांत भी शासन ले रहा है और मैं इस बात को मानता हूं आपके कि और भी काफी विस्तार करने की आवश्यकता है, गोचर की जमीनों को और भी सख्ती से मुक्त कराने की आवश्यकता है और ये काम अभी जोर शोर से चल रहा है, आप अपनी टीम से भी मालूम कर सकते हैं इस विषय पर। शुभकामनाएं आपको, आप करिए अगर आपका काम चल रहा है तो। मैं कांग्रेस से पक्ष ले लेती हूँ, फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, स्वागत करती हूँ सिद्दीकी जी आपका। जी नमस्कार। फिरोज सिद्दीकी जी, एक मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है और यहाँ पर गौशाला में 10 गायें मृत पाई गई, लेकिन उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था, कई गायें घायल अवस्था में है, उनकी देखरेख करने वाला वहां पर कोई नहीं है, मैन पावर की कमी के साथ साथ नगर निगम की बड़ी लापरवाही है ये, बताइएगा इसे कैसे देख रही है कांग्रेस? देखिए ऐसा है कि अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये स्थिति है कि आपको मध्य प्रदेश के जिस भी इलाके में 1,000-4 ट्रक गाय भी चाहिए तो आपको 4 ट्रक गाय मिल जाएगी और उन गायों को क्लेम करने वाला कोई नहीं है। हमारा तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट है कि आपने गाय को लेकर शुरू से उमा भारती जी इसको लेकर राजनीति करती आई और उसके बाद 20 साल जब आपकी सरकार को हो गए तो आज भी गो संवर्धन की शिकायत क्यों बनी हुई है? गो सेवा आयोग दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने चालू किया, गोशालाओं गो अभयारण्यों का काम भी दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने चालू किया, कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने में आई तो हमने 1,000 हाईटेक गोशालाएं बनाई। आज की हालत में हमारा जब हमने बजट पेश किया था तो गाय के लिए 20 रुपए प्रति गाय रखा था, अब यह 4 या 5 रुपए प्रति गाय इसकी रखा हुआ है। कहीं भी हाईवे पे आप जाइए, जो गुलशन बामरा जी क्लेम कर रहे हैं कि हमने गायों पे से 2,000 मवेशी हटवा दिए, अरे उनका जो डेयरी स्टेट है, जो बुल मदर फॉर्म है, जहाँ की आप खबर चला रहे हैं, वहां स्वयं ही मवेशी सामने बैठे मिल जाएंगे आप, बाहर उन्हीं के गेट के वहां बाहर ही मिल जाएंगे आप। मवेशियों की समस्या बहुत नई नहीं है मध्य प्रदेश में फिरोज सिद्दीकी जी, भले 1.5 साल थी कांग्रेस की सरकार, लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसा नया नहीं था कि मवेशियों की समस्या वहां पर उत्पन्न ही नहीं हुई। सड़कों पर मैं भी गुजरती थी, भोपाल की निवासी मैं भी हूँ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप रायसेन तक ही चले जाइए, आपको सड़कों पर इतनी गायें मिल जाएंगी मानो चक्का जाम कर रही हूँ, अपना अधिकार मांग रही हूँ वो गायें। अरे देवेंद्र पटेल विधायक तो धरने पर बैठ गए थे पिछली बार में कि उनके उदयपुरा के क्षेत्र में इतनी समस्या है कि हर 2 किलोमीटर पे एक गाय जो है ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत मिल रही थी और वो धरने पर बैठ गए। और पिछली बार ये मुझे गुलरेश भाई बताएं कि शिवराज सिंह जी ने निर्णय लिया था 18 नवंबर को कि वो एक कैबिनेट बनाएंगे, वो कैबिनेट बनी थी,
और वो कैबिनेट की एक बैठक हुई, दूसरी कभी बैठक ही नहीं हुई, और जिसने ये कैबिनेट बनाई थी ठीक है वो जो है केंद्र सरकार में मंत्री ठीक है। मैं ये पूछ लेती हूँ गुलरेज शेख जी, कैबिनेट का क्या हुआ उसका, जिसका जिसको लेकर आपने कहा था कि इसमें गौशालाओं पर नियंत्रण रखने के लिए, उनकी देखरेख के लिए और गोवंशों के खास तौर पर ध्यान रखने के लिए हम इसका गठन कर रहे हैं, इस पर चर्चा की जाएगी, वो कैबिनेट कर क्या रही है? मैडम मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, मैं डाटा वाला व्यक्ति हूँ, डाटा रख के सामने बात करता हूँ। जहां तक गो सेवा आयोग की बात है, गो सेवा आयोग का अगर आप बजटरी एलोकेशन देखें तो इसी बजट में फोर फोल्ड किया है, चार गुना किया गया है। और अभी कांग्रेस के महोदय झूठ बोल रहे थे, 76 रुपीज पर काउ हम खर्च कर रहे हैं, जो कि कमलनाथ की सरकार के मुकाबले डबल से ज्यादा है, इनके डबल का आधा भी नहीं मिलता था। तो काम हो रहा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि और भी काफी काम होने की आवश्यकता है, जरूरत है, वो जरूरत के हिसाब से और भी काम डेफिनेटली करना है। और लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये भी कहूंगा कि अगले आप डिबेट में आए तो मैं आपको उन लोगों की सूची भी दे दूंगा जो लोग गोचर की जमीन को कब्जा किए थे, और इनको शर्म आएगी कि उनमें कौन कौन नेता शामिल थे कांग्रेस पार्टी के। बताइए कांग्रेस पार्टी के नेता उसमें शामिल थे, आपने गोचर की जमीन पर कब्जा कर रखा था, वो तो खाली भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। देखिए चरनोई की जमीनें जो थी, चरनोई की जमीनें आज भी है, सरकारी लैंड घोषित है, और अगर वो किसी ने कब्जा कर रखा है तो सरकार तो 20 साल से आप ही की है ना, तो 20 साल से सरकार में आप कुछ कर नहीं पाए, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। विधायकों का जिनको जिनको सपोर्ट मिलता है, आपके विधायकों के कंधे पर रख के बंदूक चलती है कि कंधा उन्हीं का होता है, बंदूक भी उनकी होती है, आपको बताना चाहिए। लेकिन हाँ मैडम, मुझे बड़ा दुख हुआ आज के जो ये विजुअल्स आई ये देखकर, और मैं आपको ये बात कह सकता हूँ दावे के साथ कि अगले मानसून नहीं, ये मुझे लगता है फिर आपने पहली बार ऐसे विजुअल्स देखे की जियो टैगिंग हो जाएगी। गुलरेज शेख जी आंकड़ों की आप बात कर रहे थे, मैं ज्यादा आंकड़े तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार बुरहानपुर वो जिला है जहां पर सबसे बड़ी गौशाला मध्य प्रदेश की है, वहां पर आप मुझे लगता है आपको जाकर देखना चाहिए, गौशाला पूरी खाली पड़ी है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है, सड़कों पर गायें घूमती रहती हैं, अभी तो चुनाव का समय निकला है ना, आप लोगों ने भी सड़क मार्ग से बहुत यात्राएं की होंगी, कितनी गायें थी सड़कों पर, ये ध्यान दिया आपने? मतलब आप ये छोड़िए कि गौशाला के अंदर क्या हो रहा है, अंदर के बाद बाहर अगर मैं बात करूं सड़कों पर आपको गोवंश नजर आ जाएंगे इतनी बड़ी संख्या में कि वो हादसों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। ये नहीं, ये बात मैं आपकी बात मानता हूं कि सड़कों पे गोवंश दिखता है, और उसका प्रमुख कारण ये है कि जो गोपालक होते हैं जब गाय दूध नहीं देती है तो उसको छोड़ देते हैं, और इसी चीज को रोकने के लिए हमने जो किया है कि इनको 10 गाय के ऊपर 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता देना, और अगले मानसून से पहले हमने ये टारगेट रखा है कि 100% पशुओं की जियो टैगिंग हो जाए ताकि कोई भी अपराध नहीं करे कि उनको आवारा छोड़ने का कृत्य हो। और जो आपकी गौशालाओं में अपराध हो रहा है उसका क्या गुलरेज शेख जी? 76 रुपए प्रति गाय में मैं ज्यादा समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन आप यही कह रहे थे मेरे ख्याल से, वो रुपए कहाँ जा रहे हैं? आपकी जो गौशालाओं के अंदर गायों का हाल हो रहा है, आपके पास मैन पावर नहीं है, पूरी पूरी कैबिनेट बनाने के बाद अगर आपके पास मैन पावर नहीं है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं, गौशालाओं में गायों की हालत भी खराब नहीं है, उनको न्यूट्रिशन जरूर मिलता है, लेकिन हाँ ये बात सही है जो कैजुअल्टी हुई है उसका कारण मेन ये है कि ये जख्मी गायें थी जो कई बार सड़कों पे से लाई जाती हैं और उनकी उपचार के दौरान मौत होती है, और उसकी वजह से अभी मानसून की वजह से ये कैजुअल्टी ज्यादा हुई है, जिस कारण क्षमता से ज्यादा वो एक दो कुछ पर्टिकुलर गौशालाओं में जानवर आया है। लेकिन इसका कारण मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताऊं तो जो लोग छोड़ देते हैं बिना दूध देने वाली गाय को वो है, और उसके लिए एक ही तरीका है, टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि जियो टैगिंग हो जाए, उसके बाद हिम्मत नहीं होगी इन लोगों की छोड़ने की। अभी उठवाएंगे वो गोवंश के जो शव वहां पर रखे हुए हैं उनको अभी उठवाएंगे कि नहीं उठवाएंगे? मेरा रिपोर्टर है राहुल राठौर, वो वहां पर पहुंचा हुआ था, वो तस्वीरें देख नहीं पा रहा था, आप ये सोचिए वहां पर अगर गोवंश रह रहे हैं तो कैसे रह रहे होंगे, जो उनकी देखरेख कर रहा है वो कैसे कर रहा होगा? मैडम मैंने अभी डिबेट में ज्वाइन करने से पहले फोन करके मालूम किया था, वो जो गायें हैं वो उठ चुकी हैं और कुछ को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं। ठीक है, एक भी नहीं। फिरोज सिद्दीकी जी, सवाल मेरा आपसे, गायों को लेकर राजनीति मत करिएगा सर, ये सिर्फ विषय सिर्फ राजनीति का हो जाता है, कांग्रेस पार्टी भी तो है ना विपक्ष में, विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए होता है, लेकिन मैं बहुत रेयर सुनती हूँ कि गोवंश को लेकर कांग्रेस ने कोई मुद्दा उठाया हो। देखिए पूरी
पिछली बार पूरा जितना कमलनाथ जी की सरकार थी और स्वयं कमलनाथ जी को आप देख लीजिए और आप है ना विधानसभा के रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हमने हर हर सेशन में गायों को लेके मुद्दा बनाया है। और सवाल ये है कि गो सेवा आयोग ने जिन लोगों को गौशाला आवंटित की है वो आप पता कर लीजिए, वो इनके सबके भाजपा के लोग निकलेंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग निकलेंगे। हम आपको मैं आपको रिकॉर्ड कह रहा हूं, और अगर मेरी बात को ये झुटला दे तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। और वो सब लोग बैठे हैं वहां और उनको उनकी गौशालाओं में हालात ये है कि सरकार का फंड तो ले लेते हैं लेकिन वो गाय पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो उनकी भूमि पर कब्जा कर रखा था गोवंशों की, और अगर आरोप लगा रहे हैं जिनको शर्म नहीं है, जो 20 साल से सत्ता में है वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। भैया आपको किसने रोका था, कार्रवाई करिए ना, क्यों नहीं की आपने कार्रवाई? और इन लोगों की गौशाला में लेके हम लोग जानवर जाएं तो ये कहते हैं कि दो दो ट्रक भूसा और देके जाओ हमको तो हम ये जानवर रखेंगे। और आपको और एक चीज बताऊं, हम लोग गांवों में ये स्थिति है कि हम लोग पूरी की पूरी 100-150 गायें ट्रकों में भरवाते हैं, इकट्ठा करवाते हैं, वो कहीं दूर जंगल में छोड़ जाते हैं और उनका कोई क्लेम देने वाला नहीं है। गुरेश शेख जी कुछ कह रहे थे, गुरेश शेख जी कहिएगा कि कम से कम इन्होंने सही कहा कि कांग्रेसी जो है 100-150 गायों को जंगल में छोड़ते हैं, ट्रक भर भर के छोड़ते हैं, और जब पकड़ाते हैं तो इनके लोग पकड़ाते भी है, ये बात बिल्कुल सच बोल रहे हैं। लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप एक बीजेपी के नेता का तो नाम दीजिए जिसकी गौशाला के में सरकारी फंडिंग हुई और सरकारी अनुदान प्राप्त किया हो उसने, और हालत खराब, आप नाम एक का नहीं दे पाएंगे, मुंह चला रहे हैं केवल आप लोग, नाम दीजिए ना, नाम देने में क्या शर्मा रही है आपको? आपने आपकी गो कैबिनेट का आप जवाब नहीं दे पा रहे 20 साल। अरे भाई साहब मैं तो बता रहा हूँ ना कि डबल से ज्यादा बजटरी एलोकेशंस किया गया है गो सेवा आयोग का, लेकिन मैंने जितनी बातें बोली सब डाटा सामने रख के किया, कितना प्रति गाय दिया जाता है ये मैंने सामने रख के दिया, ये कल क्या हुआ था ये बताया, 6 महीने के अंदर जियो टैगिंग किस प्रकार से होने वाली है और किस प्रकार से इन लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी उसके ऊपर सब बताया, आपने सारी बातें हवा में की है। एक जी दीजिएगा, गौ सेवा आयोग का आपको क्या सार्थक रिजल्ट नजर आ रहा है जो कि हम लोग नहीं देख पा रहे, क्योंकि राजधानी की स्थिति है तो आप अन्य जिलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब पिछले 4 महीने में कम से कम 66 से ज्यादा जो गोचर की जमीनें जो छुड़वाई गई है वो गो सेवा आयोग की रिकमेंडेशन के ऊपर ही कार्रवाई। बार बार गोचर की जमीनों पर आकर विषय क्यों अटक रहा है आपका गुलरेश शेख जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर गोवंशु की क्या स्थिति हो रही है गौशाला के अंदर। जो जियो टैगिंग का काम चल रहा है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है गो सेवा आयोग की, और इसीलिए उसकी बजटरी फंडिंग। खैर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है, लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजधानी भोपाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहांगीराबाद में किस तरह से गायों की स्थिति नजर आई है, और गौशाला के अंदर 10 गाय मृत पाई गई जिनको उठाने के लिए वहां पर कोई अमला नहीं पहुंचा था, हालांकि अब कार्रवाई हुई है जी मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद। यहां पर रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फिलहाल के लिए दिन दहाड़े में इतना ही।